फ्रेंड्स, लव लाइफ गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसे चल रहे हैं आपके प्लांट्स? तो फ्रेंड्स, विंटर प्लांट की अगर बात करूं तो सभी के प्लांट्स अभी बहुत ज़्यादा छोटे हो गए हैं फ्लावर, और अभी इनके सीड बनाने का टाइम है। तो अप्रैल मंथ में हम इनके सीड कलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सीड कलेक्शन जरूर दिखाऊंगी जब मेरे सीड तैयार हो जाएंगे। तो आपके गार्डन में भी ये सीड तैयार हो गए होंगे। और फ्रेंड्स, सभी के यहाँ इस टाइम हवा बहुत चल रही है। जब भी ये सीड तैयार होते हैं तो हवा भी हमारी साथ ही साथ चलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सीड उड़ जाते हैं, क्योंकि सूखने के बाद फिर इधर उधर बिखर जाते हैं। तो अभी सही समय है फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट्स के सीड जरूर कलेक्ट कर लीजिए। कैसे सीड्स होते हैं, अभी मैं लगभग सभी जितने प्लांट्स मेरे पास थे मैं सभी के सीड आपको दिखाऊंगी, और जो थोड़े बहुत बंदर ने मेरे प्लांट्स खराब किए मैं बताती जाऊँगी। तो वो सीड्स मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे हैं, जो मैं कलेक्शन अभी नहीं दिखा पाऊँगी। तो कैसा सीड होता है उसको ज़रूर आपको दिखा दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और कैसे सीड होते हैं हर प्लांट के, और कैसे आपको कलेक्ट करना है, कैसे रखना है संभाल कर, कि हम नेक्स्ट सीजन जो सितंबर से हम इनको ग्रो करना स्टार्ट करेंगे तो इनको अच्छे से ग्रो कर सकें, और सही तरीके से रखेंगे तो सारे सीड भी जर्मिनेशन अच्छी हमें मिलेगी। तो फ्री के प्लांट्स बनाने के लिए हमें अभी से इनको सीड को ज़रूर कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्लांट्स में सीड तैयार हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ पिटूनिया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये है पिटूनिया का सीड पॉट। तो इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। देखिए, ब्राउन हो गया, अगर ब्राउन हो गया है तो आप कलेक्ट करिए, अगर कच्चा है तो फ्रेंड्स कच्चा बिल्कुल मत कलेक्ट करिए। और इसके सीड कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे होते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको सीड दिखा दूँ। ये देखिए, बिल्कुल ड्राई जैसे सीड होते हैं इसके पिटूनिया के, और ये हाइब्रिड वाला है। अभी मैं देसी भी दिखाऊंगी आपको, और राई से भी शायद महीन। ये देखिए, और हल्का हल्का आप इसमें देख रहे हैं वो पार्ट है सीड का, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ भी आप रख सकते हैं। और ये बिल्कुल महीन मेरे पास, ये देखिए 500-600 सीड होंगे ये। तो बहुत ज़्यादा, एक एक पॉट से काफ़ी ज़्यादा सीड इस पर हमें कलेक्ट करने को मिल जाते हैं। तो ये देखिए, इस पॉट, ये देख रहे हैं आप, ओपन है। इसको बस इस तरह से करेंगे और हल्का सा आप दबाएंगे तो आपको ये देखिए इतने सारे सीड, एक एक सीड पॉट भी मिल जाते हैं। ये देखिए, इनको कहीं भी आप रख दीजिए, छाँव में, धूप में ना रखिएगा, इनका मॉइस्चर खत्म होते ही इनको अच्छे से लपेट कर रख दीजिए। लास्ट में मैं दिखाऊँगी कि कैसे रखना है। सो फ्रेंड, दूसरा प्लांट है सिनेरेरिया। फ्रेंड, सिनेरेरिया को मैंने पहले भी आपको दिखाया है संडे गार्डन ओवरव्यू में, और ये देखिए इस तरह से इसके फ्लावर सब सूख गए हैं और यही इनके सीड हैं। इसमें बहुत सारे सीड आपको कलेक्ट करने को मिल जाएंगे। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे, सीड पॉट नहीं हटाएंगे, और कलेक्शन अगर आप देर करते हैं तो ये उड़ जाएंगे हवा में, क्योंकि बहुत ही हल्का होता है। तो इनको आपको ज़रूर रख लेना है संभाल कर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कॉर्न फ्लावर। ये देखिए, तो कॉर्न फ्लावर के सीड पॉट ये देखिए इसमें बन गए हैं। ये देखिए मेरा प्लांट, और यही है इसके सीड। ये देखिए, इसी में आपको ढेर सारे सीड मिल जाते हैं। सूखा फ्लावर एकदम सूख जाए जब, तभी आपको लेना है। अगर मॉइस्चर है तो आप बिल्कुल कलेक्ट ना करिए फ्रेंड्स, वो फिर सीड पॉट हमारे अच्छे से सीड नहीं बनते हैं उसमें, और फिर मॉइस्चर होता है वो कलेक्शन बेकार हो जाता है आपका। इस तरह से ये देखिए रख लीजिए इसको, तो आपके ये भी बहुत ही बढ़िया सीड तैयार हो जाएंगे, सीड से प्लांट तैयार हो जाएंगे जब आप इनको ग्रो करेंगे सेप्टेम्बर में। ये देखिए, तो ये इसके सीड पॉट है हमारे कॉर्न फ्लावर के। फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ देखिए कैलेंडुला। तो फ्रेंड्स, कैलेंडुला में भी मैंने कीड़े काफ़ी लग रहे थे तो हटाए। ये देखिए, इसका सीड ऐसा होता है। ये जो फ्लावर है इसको बिल्कुल इसी तरह आप ब्राउन हो जाने दीजिए प्लांट पर, आपको इस तरह से ये देखिए सीड तैयार हो जाएंगे इसके, और यही है इनके सीड। ये देखिए, और आप ऐसा का ऐसा भी रख सकते हैं, इस तरह का सीड होता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे कीड़े हैं मगर इसका सीड ऐसा ही होता है। तो ये कैलेंडुला के सीड आप कलेक्ट करते जाइए जैसे जैसे प्लांट पर आपका ये फ्लावर सूखता जाए। यहाँ पर फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कॉसमॉस, ये देखिए विंटर का, और ये देखिए इसके सीड। तो इस तरह से इसको तोड़ लीजिए और इनको आप इस तरह तोड़ कर रख लीजिए, बिल्कुल सूख जाने पर ही आप कलेक्ट करिए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से सीड्स आपके बन गए हैं जो, ये देखिए, और इनको आप इस तरह कलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया, ये आपके नेक्स्ट सीजन के लिए प्लांट तैयार हो जाएंगे इन सीड्स से, और एकदम हेल्दी मैच्योर सीड्स आपको लेने हैं जब ब्लैक हो जाए बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको पोर्चूला का की फर्स्ट फ्लावरिंग दिखा रही हूँ। आज बहुत ही प्यारा फ्लावर खिला था मॉर्निंग में, बट अभी ये मुरझा गया है क्योंकि अब शाम हो गई है। बहुत सुंदर लग रहा था, और बहुत बड़ा सा हाइब्रिड वाला है ये, बहुत खूबसूरत सा फ्लावर आया इसमें। और फ्रेंड्स, इसके बाद है हॉली हॉक। तो हॉली हॉक का फ्लावर प्लांट में भी सीड बन गया। ये देखिए कितने खूबसूरत से, कितने ढेर सारे, ये देखिए ये है इसका सीड पॉट। ये वाला सीड पॉट जब इस तरह से, देखिए अभी बंद है, इस तरह ओपन हो जाए और ब्लैक ब्लैक आपको दिखने लगे तो यही इनके सीड हैं जो तैयार हो गए। अगर हम इनको नहीं लेंगे तो ये बिखर जाते हैं और फिर हम इनको कलेक्ट नहीं कर सकते। ये देखिए कितने सारे, एक ही सीड पॉट में आपको बहुत सारे सीड मिल जाते हैं।
और फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ पालक के सीड्स, ये देखिए। और आगे मैं इसको ग्रो करके भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप अभी भी पालक लगा सकते हैं, ये देखिए। तो ये एकदम सूख गए हैं और इनको इस तरह से आप चाहें तो स्टिक भी इस तरह से रख सकते हैं। ये देखिए, ये पालक के सीड्स हैं जो मैंने यहाँ ग्रो की थी, आपने हमेशा देखिए। तो ये इसके सीड बिल्कुल तैयार हो गए हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स एनुअल क्राइसेंथमम, तो इसके सीड भी आप ये देखिए, सीड पॉट बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से सूखे हुए एकदम। आप कलेक्ट करिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एनुअल क्राइसेंथमम के सीड पॉट, इनको आप इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए छोटे छोटे सीड्स इसमें तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ गलाडिया की सीड, तो ये तो पूरे साल आपको मिलते रहते हैं क्योंकि गलाडिया एक बहुत हार्डी प्लांट है। और देखिए कितने खूबसूरत से सीड एकदम सूख गए हैं, तैयार हो गए। और यहाँ पर ये देखिए गजानिया प्लांट है, तो गजानिया के भी सीड्स आप तैयार हो जाएँ तब आप इनको भी तोड़कर कलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास अभी पूरी तरह नहीं सूखे हैं तो इनके सीड्स मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये है प्याज के सीड्स, और ऑनियन के सीड्स भी आप ब्लैक हो जाएँ तब इनको मैं हार्वेस्ट करूँगी। तो ये भी तैयार हो रहे हैं अभी, आगे मैं आपको दिखाऊँगी। फ्रेंड्स ग्रीन सीड्स आप कभी ना तोड़िए, वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, इनको तोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर है ये स्वीट विलियम के प्लांट्स, इसके भी सीड तैयार हो चुके हैं। तो स्वीट विलियम का पूरा पूरा हम ऐसे ही सूखा हुआ, जिसका बीच में आप देख रहे हैं फ्लावर, ये निकाल रही हूँ, इसी में हमारे सीड्स होते हैं। फ्रेंड्स ये तूजा की सीड्स हैं और ये बिल्कुल ब्राउन होने पर आप इनको कलेक्ट करिए, अभी ये कच्चे हैं तो कच्चे सीड्स कभी मत तोड़िए। और फ्रेंड्स ये है आपका देसी पिटूनिया, ये देखिए कितना बड़ा इसका सीड पॉट है। हमारा जो हाइब्रिड है उसका इतना बड़ा नहीं होता है सीड पॉट, जितना ही देसी वाले का है। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सीड पॉट है और इसमें ढेरों ढेरों सीड्स हैं, बहुत महीन। ये देखिए कितने कितने छोटे छोटे सीड्स हैं, एकदम राई की तरह, जैसा कि मैंने कहा। एक और सीड पॉट है यहाँ, ये देखिए बहुत सारे सीड पॉट बनाता है ये देसी वाला पिटूनिया। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ मैरी गोल्ड, तो बिल्कुल सूख जाने पर आप इसके भी गेंदे के फूल को इकट्ठा कर लीजिए और इससे भी आपके बहुत ही बढ़िया प्लांट तैयार हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कौन कौन से सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए मैंने पॉपी आपको करके दिखाया, ये है पॉपी के सीड्स, ये है नेस्ट्रीशियम। फ्रेंड्स नेस्ट्रीशियम और पॉपी मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि पॉपी और नेस्ट्रीशियम मैंने बताया बंदर पूरा प्लांट ही उखाड़ गया था मेरा, तो प्लांट मेरे पास नहीं था, जब था उसने उखाड़ा तो सीड तैयार हो गए थे तो मैंने तोड़ के रख लिए। इसके सीड मैं आपको दिखा दूँगी, तो देखिए कैसे होते हैं, अंदर से निकाल के मैं दिखाती हूँ। तो ये खाली है, अक्सर ऐसा होता है कि ड्राफ्ट भी होते नहीं, मतलब वो सीड बने होते हैं तो खाली भी आपको दिखेंगे, और जिनमें होगा उसी में आपको मिलेगा सीड। ये देखिए सब में, अगर जैसे मैंने कहा बंदर तोड़ गया तो ये हो सकता है पूरे मैच्योर ही ना हो, मैंने तोड़ के तो रख लिया लेकिन देखिए इतना नुकसान बंदर करते हैं। और ये सीड तैयार नहीं है, और मैंने पॉट तो रख लिए थे क्योंकि प्लांट ही टूट गया था, तो प्लांट फेंकने से पहले मैंने सीड पॉट रखे, लेकिन देखिए इनमें ख़राब सीड्स हैं, मतलब इनको रखने का लगभग कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें सीड तैयार ही नहीं हुआ है क्योंकि बंदर जी ने पहले ही इसको सब ख़राब कर दिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इनको दिखाने का, मुझे लग रहा है कि इनमें तैयार ही नहीं थे। तो फ्रेंड्स एक काम और आप कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगी आगे, अगर सीड आपको अपने गार्डन से ना मिले तो क्या करें। और यहाँ पर ये देखिए कैलेंडुला, और इसके ये देखिए मैंने दिखाए तो सूख गए थे तो मैंने कलेक्ट करके रख लिया, जैसा कि मैंने बताया कि वरना सीड हमारे इधर उधर उड़ जाते हैं। और ये है नेस्ट्रीशियम, तो नेस्ट्रीशियम के सीड भी बहुत ही बढ़िया होते हैं, इनको भी आप बहुत अच्छे से कलेक्ट करके रख सकते हैं, बड़े बड़े सीड होते हैं और अच्छे से इनको आप रख सकते हैं। ये है देसी पिटूनिया, ये देखिए इसको आप देखिए कितने सारे सीड इसमें होते हैं, एक सीड पॉट में ही आपको ढेरों सीड मिलते हैं, जबकि देसी वाला पिटूनिया हमें लगाना ही नहीं पड़ता। फ्रेंड्स अपने यहाँ भी पूरे गार्डन में आपको जगह जगह पर इसके फ्लावर प्लांट निकल आते खुद ही से। इसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो ये है एनुअल क्राइसेंथमम। फ्रेंड्स क्राइसेंथमम के भी सेम सीड होते हैं, बस इसके थोड़े बड़े और उसके थोड़े छोटे होते हैं, इतना ही फ़र्क होता है। और एनुअल क्राइसेंथमम के ये सीड हैं, देखिए एक ही फ्लावर पॉट से कितने ज़्यादा निकल रहे हैं, ये देखिए इतने सारे सीड निकले। और यहाँ पर ये है पालक के सीड्स, ये हैं ऑर्नामेंटल चिलीज़ के, जो सीड चिलीज़ सूखती जाए उसके भी आप कलेक्ट करके रखिए, कभी भी ग्रो करिए पूरे साल ग्रो हो जाते हैं। और ये है हॉली हॉक के सीड्स हैं, ये देखिए, और जब ये सूख जाए तो आप इसके साथ भी रख सकते हैं, वरना सीड आप साफ़ करके भी रख सकते हैं, आपकी जैसी भी इच्छा हो आप वैसा कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ मैरीगोल्ड के सीड, तो देखिए पूरी तरह जब प्लांट पर ही सूख जाए तब आप फ्लावर को कलेक्ट करिए, तो ये बहुत सारे प्लांट एक ही फ्लावर से बन जाते हैं। और ये है फ्रेंड्स क्राइसेंथमम, ये है गुलदाउदी का सीड, तो ये थोड़ा छोटा होता है और वो थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा ब्लैक होता है।
तो इसके बाद फ्रेंड्स मैंने धनिया लगाया था, तो धनिया थोड़ी मैंने ग्रो करी है और थोड़ी मैंने सीड ये देखिए कलेक्ट करके रख लिए हैं अपने गार्डन के ही, नेक्स्ट टाइम मैं इनसे ही प्लांट तैयार कर लूँगी। और इस तरह से मैंने आपको सभी दिखाई, देखिए ये है हाइब्रिड वाला पिटूनिया, तो ये भी सीड तैयार हो गए हैं, ये भी मेरे पास बहुत सारी सीड हो गए हैं, अभी और भी तैयार होंगे तब मेरे। अब इनको रखना कैसे है फ्रेंड्स, तो देखिए ये ब्राउन पेपर जो होता है इसमें आप रखिए, वरना मैं एक वीडियो मेरा है मैंने कैसे उसमें कलेक्ट करना और कैसे रखना है, पूरे साल कैसे सिक्योर करते हैं वो मैंने उसमें दिखाया है, मैं डाल दूँगी लिंक आप देख लीजिएगा। और इसमें हल्दी राख फंगीसाइड मतलब कोई लगाना ज़रूरी है, हल्दी या राख या दालचीनी का पाउडर, या फिर आप लगा सकते हैं साफ का फंगीसाइड, कुछ भी लगा कर ज़रूर रखिएगा। और पूरे सीड मैं तो इस तरह आप रख देती हूँ, पूरे सीड एक साथ में रख दूँगी और इसी ब्राउन पेपर में लपेट कर आपको रख देना है, पुड़िया सी बना लीजिए और इस पुड़िया को रख दीजिए किसी पॉली बैग के अंदर, बस कुछ भी नहीं करना है, पूरा मॉइस्चर ये सोख लेते, अगर रह भी जाएगा मॉइस्चर, वैसे तो हमें मॉइस्चर नहीं रखना है, इसको पूरा आप इसी तरह ओपन ओपन रख दीजिए कहीं भी छाँव में, और धूप में रखिएगा और कहीं भी रूम में रख दीजिए और इनको सूख जाने दीजिए अच्छे से। उसके बाद आप एक पॉली बैग में इस पुड़िया को रख दीजिए, पुड़िया में करके इनको, और ये पूरे टाइम सेप्टेम्बर तक आपके बिल्कुल सिक्योर रहेंगे और ग्रो हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा मेथड है, और अलग अलग अगर आप रखना चाहते हैं तो मैं वीडियो डाल दूंगी, आप लिंक में देख लीजिएगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि मैं क्या कह रही थी, कि अगर आपके गार्डन में आपको सीड नहीं मिल पा रहे या आपने बहुत से प्लांट नहीं लगाए हैं आपके पास नहीं है, तो आप क्या करें, तो इस टाइम आप जब पार्क वगैरह जाते हैं फ्रेंड्स, तो सभी प्लांट्स आप देखते हैं विंटर प्लांट भी लगे होते हैं, तो उन पर सीड तैयार हो जाते हैं। अप्रैल मंथ होता है हमारा, जो हमारा स्प्रिंग सीजन के बाद का मंथ है ये, इसमें सीड तैयार हो जाते हैं, और इनको आप किसी भी गार्डन से कलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए ध्यान से, मैंने इसीलिए आपको सीड दिखाया कैसे होते हैं, किस प्लांट पर किस तरह के तैयार होते हैं, आपसे शेयर इसीलिए किया है। तो आप इन सीड्स को अपने किसी भी गार्डन से आसपास की पार्क वगैरह से कलेक्ट करके रख लीजिए और सेप्टेम्बर में सभी सीड्स को ग्रो कर सकते हैं, और इस पर बहुत सारी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। तो कोई क्वेरी हो इस वीडियो को लेकर तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछिएगा, बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा आपको बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा लगा जो बताइएगा, आपको कुछ हेल्प हुई कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्डेनियम, बहुत ही खूबसूरत ये देखिए खिल रहे हैं इसके प्लांट में, फ्लावर जो आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे प्लास्टिक के फ्लावर हों, नकली लग रहे हैं बिल्कुल, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, तो सुंदर लग रहे हैं काफ़ी। सो बाय बाय फ्रेंड्स, और ये पोर्शन थोड़ा चेंज किया है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। सो बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, जरूर सीड आप कलेक्ट कर लीजिए ना हो तो किसी गार्डन से। बाय बाय।